नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सी डिजाइन्स बता रही हूँ। ये देखिए बिग साइड में, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत सिंपल डिजाइन्स है। इसको हम इस तरह से डिजाइनिंग करेंगे। ये मैंने बटन लिया है और ये तो छोटी सी लटकन है, और यहाँ पे बिग साइड पे बहुत ही जो कि खूबसूरत ये ब्लाउज का जो लुक है वो बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो डिजाइन है बहुत सरलता से आप बना पाएंगे। जो मेरे पास सीखने वाली लड़कियाँ हैं वो मुझसे ये बोल रही है बार बार कि मैम हमें जो स्टार्टिंग के जो डिजाइंस होते हैं, छोटे छोटे जो डिजाइंस होते हैं बहुत ही खूबसूरत जो बन जाते हैं, तो वो डिजाइंस आप हमें बताइए। तो मैं आपको इस डिजाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की ट्यूटोरियल आज इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। ब्लाउज बैक साइड डीप नेक और उसके साथ में डिजाइनर बैक नेक, ठीक है। आइए कटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टिचिंग भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी पेपर के ऊपर जो है आपको मैं कटिंग बता देती हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे 3 इंच का, देखिए यहाँ पे 3 इंच का जो होता है ना ब्लाउज की जो नीचे की डिजाइन की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच की, और इसकी जो लेंथ है वो ले रहे हैं 4 इंच की। आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ से हम लेंगे बीच से 3.5 इंच, इस तरह से लेकर के आप इस तरह से इसकी ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा डिजाइन पैटर्न यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हम पेस्टिंग कटिंग करेंगे। पेस्टिंग आपको कैसे कटिंग करना है, जैसे ये पैटर्न कटिंग कर लिया, इसके बाद में हम यहाँ पे लगभग 1.25 इंच की इस तरह की ये पेस्टिंग कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं, और इसी तरह से देखिए मैं छोटी छोटी डिजाइंस के माध्यम से जो सीखने वाले गर्ल्स हैं उनके लिए मैं बिग साइड के डिजाइंस लेकर आऊँगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो इसके लिए आपको बेल आइकन जो यहाँ पे है उसको आपको क्लिक करके रखना होगा, ताकि आप बेल आइकन आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। अब ये देखिए ये जो पार्ट्स होता है इसको हम पेस्टिंग पे रखेंगे, और इसके बाद में हम इस तरह की ड्रॉ करेंगे 1.25 इंच के लगभग, और वो पेस्टिंग हम कटिंग कर लेंगे। तो आइए वो पेस्टिंग कटिंग करके वो लाइनिंग वाले फैब्रिक पे उसको पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इसको ये डबल है और यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसको पेपर फैब्रिक पे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से आयरन से इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से इसको देखो नीचे से भी ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे भी मैंने इसको स्टिच कर दिया एक सिलाई से, ठीक है। अब हम इसका देखिए ये मिडिल सेंटर है यहाँ पे, और इसको ओपन करेंगे ब्लाउज को। ओपन करने के बाद इस तरह से रखेंगे, ये मिडिल सेंटर है यहाँ पे, बिल्कुल ये मिडिल सेंटर आएगा, और इसको यहाँ पे रख करके एक सिलाई ये लगा लेंगे। ये जो बीच का है यहाँ पे हम इसकी एक सिलाई लगा देंगे, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग एक ले ली है। अब यहाँ पे 1/4 इंच रखते हुए बीच का जो पार्ट है एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसको हटाएंगे यहाँ से और इस पर हम कट लगाएंगे। ध्यान रखना है कि देखिए मैंने नीचे से पहले से फोल्डिंग किया, जो हमारे नीचे की फोल्डिंग होती है या भी जो भी तुरपाई की पट्टी होती है ब्लाउज के बैक साइड में, तो उसको मैंने फोल्डिंग किया हुआ है। अब हम इस पर कट लगा करके इसको भी अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसको अंदर की साइड में से फोल्ड करके पूरा, और इस तरह से कर देंगे। तो ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया है। इसको आप आयरन से फिनिशिंग कर सकते हैं। फोल्ड हो गया है, इस पर मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर दी है। अभी मैंने ये जो डिजाइन्स का कट किया था वो 6 इंच का था, आप देख सकते हैं। ये मैंने 3 इंच का कट किया था, तो ये डबल में 6 इंच का हो गया है। और ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड से, ठीक है। अब एक सिलाई मैं इस तरफ लगाऊंगी ओफ करके, इसको उल्टा करके, और एक सिलाई इस तरफ लगाऊंगी। आप देख सकते हो 2-2 इंच इस पट्टी को एक्स्ट्रा लेना है। पट्टी की टोटल जो लेंथ है वो है 5 इंच की, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 10 इंच की, और चौड़ाई है वो है 5 इंच की।
तो ये एक स्टिचिंग नीचे एक ऊपर स्टिचिंग ले ली है, अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और सुंदर डिजाइन सब बिगनर्स के लिए, छोटी सी डिजाइन्स के रूप में मैंने आपको ये वीडियोस दिखाया है और मुझे विश्वास है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद भी आएगा और जब आप बनाएंगे अपने किसी भी ब्लाउज पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आयरन करके इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। इस पट्टी की हम फिनिशिंग कर लेते हैं, तो इसको मैंने फिनिशिंग कर लिया है। और ये देखिए, इसको हम इस तरह से मिडिल सेंटर बनाएंगे, इसका इस तरह से हाफ करके ये मैंने मिडिल सेंटर बना लिया है। मिडिल सेंटर में हम सुई लेंगे और इसको इस तरह से कच्ची स्टिचिंग करेंगे, साइड कॉर्नर से भी कर सकते हैं हम, और इस तरह से छोटे छोटे टेप लेकर के, और हम इस तरह से इसकी हेलो। मिडिल सेंटर तक की स्टिचिंग लेंगे। अच्छा इसके बाद में हम इसको ठीक है इस तरह पापा, से फिर ऊपर तक, और हम इसकी ठीक इसी तरह पापा, से सिलाई करेंगे। हाँ इस तरह से हम, ये मैंने इसकी स्टिचिंग ले ली है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये जो बीच का पैटर्न है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसको आप यहाँ तक लॉक कर दीजिए। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे एक बटन लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम बटन लगाएंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरह से नीचे यहाँ इसकी स्टिचिंग लेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है बराबर के अंदर आपकी स्टिचिंग आनी चाहिए, और इस तरफ भी हम इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर में रख के और यहाँ पे इसकी ऐसे स्टिचिंग लेंगे। तो अब देखिए ये आपकी पीठ के अंदर ये जो डिजाइंस है वो कितना यहाँ पे खूबसूरत लगेगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग डिजाइन यहाँ पे बनाया जा सकता है। किसी भी ब्लाउज के बैक साइड में आप बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग ले लेंगे, वन स्टिचिंग और डबल स्टिचिंग लेकर के इसको आप पक्का कर दीजिए। यहाँ तक इसकी स्टिचिंग आएगी नीचे तक, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ तक। तो अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो इस तरह से आप अपनी डिजाइन्स को बटन लगा सकते हैं। देखिए ये बटन्स है, ये लटकन है, तो इस तरह से आप लुक को और भी बेटर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं भी इस पे ये बटन्स और ये लटकन लगाने वाली हूँ, इसको बहुत ही क्यूट और सुंदर बैक साइड डिजाइन बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।